हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज की वीडियो में हम लोग वापस से खेलने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। तो आज की वीडियो में यार हम एक नए आर्मी को ट्राई करेंगे। आज हम गॉब्लिन को ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने गॉब्लिन को अपग्रेड होने पर लगा दिया था बैरक्स को, और गॉब्लिन के साथ हम खेलने वाले हैं आज। तो श्योर मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ अभी आप लोगों के लिए। तो हाँ, बेल आइकन को भी ऑल करना इसलिए क्योंकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो मेरी, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम आर्मी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे मैं जायंट को माइनस कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने पहले 10 जायंट गलती से मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लगा दिए थे। उसके बाद मैं भूल गया कि मुझे तो गॉब्लिन का गेम प्ले करना है। मैंने 10 जायंट लगा दिए, तो भाई 10 जायंट का हम क्या करेंगे, उन्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो 10 जायंट हम यूज़ कर लेते हैं। तो मल्टीप्लेयर खेलेंगे, चलो। तो मल्टीप्लेयर में आ चुके हैं यार। सबसे पहले हमें यहाँ पे चलते हैं। चलो, ये वाला मुझे सही लग रहा है। हाँ, खुला खुला है बहुत ज़्यादा, कोई वॉल प्रोटेक्शन भी नहीं दे रखी है। भाई कैसा प्लेयर है ये भाई, ये तो अजीब ही बंदा है। तो चलो भाई, यहाँ पे जायंट हमने छोड़ दिए हैं। यहाँ पे मोर्टार जा चुका है, मोर्टार ख़त्म कर दिया हमने। यहाँ पे कैनन को मार रहे हैं सभी, तो कैनन को मार रहे हैं यार यहाँ पे। तो देखते हैं, यहाँ पे आर्चर टावर को मारेंगे, आर्चर टावर को देखते हैं। आर्चर टावर जा चुका है यार यहाँ पे, और लास्ट एक कैनन बचा हुआ है। तो कैनन को तो आराम से हमने तोड़ दिया है। अब यार सबके सब डिफेंडर्स जा चुके हैं, हमने तोड़ दिया है। तो अब सीधा हमें रिसोर्सेस लेनी है, हमें गोल्ड लेना है और इलेक्सर लेना है, और मेन हमारा जो है टाउन हॉल लेना है। तो चलो भाई, फटाफट से हम गोल्ड माइन तोड़ते हैं। तो गोल्ड माइन, यहाँ पे 3 जायंट यहाँ पे गोल्ड माइन तोड़ रहे हैं, और कुछ जायंट जो है टाउन हॉल तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ज़्यादा फास्ट टूटता है। तो भाई गोल्ड माइन ऑब्वियसली फास्ट टूटेगा, वो तो छोटी सी चीज़ है भाई। टाउन हॉल को टूटने में बहुत टाइम लगता है भाई साहब, क्या चल रहा है। सभी जायंट यहाँ पे एक ही टाउन हॉल को तोड़ रहे हैं, और एक जायंट पता नहीं भाई एक वही गोल्ड स्टोरेज को तोड़े जा रहा है भाई। ओके, यहाँ पे गोल्ड स्टोरेज से भाई एक एक गोल्ड मिल रहा है भाई, क्या मजाक है ये। तो यहाँ पे एक्सीलेंट हमें मिल चुका है, 2 स्टार्स हमें मिल चुका है। 50% जो है हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, 55% हो चुका है। चलो सही है, यहाँ पे हमें 100 करना फटाफट से। भाई साहब कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे इलेक्सर स्टोरेज हम लोग तोड़ देंगे, इलेक्सर माइन भी तोड़ देंगे, इलेक्सर प्रोड्यूसर जो भी हो वो उनसे हमने तोड़ दिया है। और यहाँ पे इलेक्सर स्टोरेज और एक है। तो यहाँ पे जो है सब ज़्यादातर पता नहीं बैरक्स क्यों तोड़ रहे हैं, बैरक्स में क्या है पता नहीं भाई। मतलब वो जो जायंट्स थे, वो जिन जो भी रिसोर्सेस या कुछ भी उनके पास होता है डिफेंडर्स को ख़त्म करने के बाद, वो वहीं चाहते हैं भाई। ये तो गोल्ड स्टोरेज को उनके पास था भाई, बैरक्स तोड़ने चले गए ये तो। चलो कोई नहीं, यहाँ पे गोल्ड स्टोरेज तोड़ दिया है भाई, 87% डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये लेबोरेटरी हमें तोड़नी है, लेबोरेटरी तोड़ देंगे, और ये कैंप हमें तोड़ना है। तो कैंप को तो आराम से तोड़ देंगे, और 2 कैंप है ठीक है। तो एक गया, दूसरे की बारी, इसे तोड़ते हैं चलो। और ये कैंप भी ख़त्म, परफेक्ट 3 स्टार्स हम यहाँ पे ला चुके हैं। इसके लिए और लाइक मार देना। और चलो भाई, अभी टाइम आ चुका है गॉब्लिन्स यूज़ करने का। तो चलो भाई, यहाँ पे गॉब्लिन्स की बारी है। तो गॉब्लिन्स कहाँ गए, ट्रेन हो चुके हैं क्या भाई साहब। यहाँ पे तो इसे ट्रेन होने में शायद थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पे मैं 24 GMCR खर्च करने वाला हूँ यार आप लोगों के लिए। मेक श्योर इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब भाई बनता है। तो चलो भाई, यहाँ पे हमने 24 GMs का यार बलिदान दे दिया, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मैं वेट भी कर सकता था, पर भाई मुझे फटाफट से कंटेंट आप लोगों के लिए लाना पड़ता है, और उसके लिए खर्च किया है। तो चलो भाई, यहाँ पे जो है ये देख सकते हो भाई, सबसे पहले यहाँ पे हम जायंट छोड़ देंगे, कुछ जायंट यहाँ पे छोड़ेंगे। अब देखना ये लुटेरे क्या करते हैं। तो भाई ये गॉब्लिन्स का मैं आपको मेन काम बताता हूँ। गॉब्लिन्स जो है बहुत अच्छा डैमेज देते हैं, वो भी रिसोर्सेस वाले बिल्डिंग्स बिल्ड्स को।
जैसे कि गोल्ड स्टोर है, जब भाई साहब कितना जल्दी तोड़ा, तो जितने भी जायंट मिल जाए इतनी जल्दी तो भाई तोड़ ही नहीं सकता कोई। भाई साहब इनका बहुत ज़्यादा डैमेज होता है वैसे। और ये सबसे पहले देख सकते हो इनके हाथ में जो बोरी है, ये ना लुटेरे हैं असल में। इन्हें लूट रिसोर्स को चोरी रिसोर्स लेने के लिए यूज़ किया जाता है। और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी तो ये है, सबसे पहले एक जायंट छोड़ दो और साइड से जायंट तो डिफेंडर्स को मारता रहेगा, और साइड से आप गोब्लिन छोड़ दो भाई, वो लूटता ही रहेगा भाई। गोल्ड स्टोरेज गोल्ड सब कुछ लूट लेगा वो, सबसे पहले लूट को ही इंपॉर्टेंस देता है, मतलब उसे ही तोड़ता है। चलो भाई इस हट को तोड़ देते हैं, परफेक्ट 3 स्टार्स हम ला चुके हैं। तो चलो भाई यहाँ पे 8000 गोल्ड और 4000 इलेक्सर हमें मिल चुका है। तो चलो भाई यहाँ पे हमने अचीवमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके चलो ले लिया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा रिवॉर्ड में। तो यहाँ पे देखते हैं और हमें क्या आर्मी ट्रेन करनी है। सबसे पहले तो ये जो लूट काट है इससे थोड़ा सा इलेक्सर ले लेंगे और इसे अपग्रेड कर देंगे भाई। चलो चलो यार यहाँ पे मैंने अपग्रेड पर लगा दिया है, तो ये अपग्रेड होगा जब उसके नेक्स्ट मुझे बॉम्बर मिलेगा, बॉम्बर स्केलेटन ऐसा ही है कुछ इसका नाम। तो चलो भाई इसे तो और 4 आवर्स हैं, तो यहाँ पे मैं गोल्ड स्टोरेज अपग्रेड लगा देता हूँ। चलो भाई मैंने गोल्ड स्टोरेज मैंने सब कुछ अपग्रेड किया है भाई, मैं गोल्ड स्टोरेज अपग्रेड करना भूल ही गया। तो चलो भाई यहाँ पे आर्चर टावर भी मैं अपग्रेड करूँगा भाई। और नहीं नहीं चलो यहाँ पे कितना लगेगा, 7 जेम्स। चलो भाई खर्च कर लिया हमने 7 जेम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे तो और क्या करना बाकी है, कैंप में चले गए यार। तो यहाँ पे तो आर्चर टावर तो बिल्ड हो रहा है और रिसोर्सेस में जाएंगे हम, और क्या लगाना बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ टाउन हॉल अपग्रेड करने का, एक मतलब इलेक्सर स्टोरेज लगाना बाकी है। इसे अगर मैंने लगा दिया भाई, लो भाई मैंने लगा दिया, इसका बिल्डिंग भी मतलब बिल्ड भी फिनिश कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो मैं टाउन हॉल 4 कर सकता हूँ अपग्रेड, बट मुझे इसके लिए 25,000 कॉइन चाहिए और इसको मैं 28 जेम्स से भी मैं कर सकता हूँ। तो हो सकता है भाई इसके नेक्स्ट या उससे भी नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको टाउन हॉल 4 का वीडियो देखने को मिल जाए। तो चलो भाई यहाँ पे गोल्ड स्टोरेज को थोड़ा सा अपग्रेड लगा देते हैं। एक तो ऑलरेडी लेवल टू का था, और यहाँ पे बाकी जो है लेवल 1 के हैं, मैं तो इन्हें अपग्रेड करना ही भूल गया भाई। चलो इन्हें अपग्रेड करते हैं, 1 जेम तो लगेगा, चलो खर्च कर लेते हैं। यार सीरियसली यार इस वीडियो में तो काफ़ी जेम्स खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे आर्मी में हम देख सकते हैं भाई क्या लगा सकते हैं हम, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। क्या चल रहा है मजाक ये भाई, देखो ये असल में क्या हो रहा है, मैंने बैरक्स को भाई अपग्रेड करने पर लगाया था, इसीलिए भाई ये यहाँ पे हम दूसरी आर्मी ट्रेन नहीं कर सकते एक्सेप्ट बारबेरियन ही ट्रेन कर सकते हैं। तो 50 बारबेरियन मैंने यहाँ पे ट्रेन करे हैं, 50 बारबेरियंस, और यहाँ पे देखते हैं ये 50 बारबेरियंस करते क्या हैं। बहुत सारे किए हैं भाई, ये तो तबाही मचा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे छोड़ देंगे, कुछ तो भाई कुछ पागल तो यहाँ पे गोल्ड स्टोरेज में ध्यान दे रहे हैं भाई। जाओ जाओ मोर्टार को मारो, मोर्टार गया भाई साहब, इतना फास्ट मार रहे हैं भाई साहब, इतना फास्ट कौन लूटा भाई। और यार यहाँ पे तो इनके मेन हॉल को भी तोड़ते हैं। चलो लो भाई यहाँ पे मेरे 2 स्टार्स कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ ये जो कैनन्स बचा है कैनन्स को मैंने मार दिया, और यहाँ पे ये पता नहीं बॉम्ब कहाँ से आ गए भाई साहब, मर ही जाते ही है, कुछ ही बचे हैं भाई, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही बचे हैं, वरना मर जाते, एक बॉम्ब और भाई मर जाते ये, ख़त्म हो जाते। जो भी हो इसे तोड़ के हम 3 स्टार्स ला चुके हैं यार, इसके लिए लाइक मार देना श्योर। अगर ऐसी वीडियोस हर रोज़ देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना श्योर, और बेल आइकन को भी ऑल कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करो। तो गॉब्लिन के लिए एक लाइक बनता है, मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।